नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से क्रिकेट लाइन गुरु चैनल के प्री मैच एनालिसिस में और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। तो दोस्तों आज के मैच प्रीव्यू में हम कवर कर रहे हैं बांग्लादेश आयरलैंड के बीच होने वाले सेकंड ओडीआई मैच को। वेल आपको बता दें कि आयरलैंड और बांग्लादेश तीन मैचों की ओडीआई सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड में है। तो दोस्तों पहला जो ओडीआई मैच था बांग्लादेश और आयरलैंड के बीच में, उस मैच में कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था ड्यू टू रेन। लेकिन दोस्तों अब सेकंड ओडीआई मैच और थर्ड ओडीआई मैच जो है होना बाकी है। ऐसे में दोस्तों कौन सी टीम किस पर भारी पड़ेगी, इन दो ओडीआई मैचेस में जीत दर्ज कर इस सीरीज को अपने नाम करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आज हम इस वीडियो में सेकंड ओडीआई मैच को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे दोनों टीम्स की प्रोबेबल प्लेइंग 11, साथ ही की प्लेयर्स और पिच का क्या हाल रहने वाला है, पिच किसके लिए फायदेमंद साबित होगी, इन सभी पर चर्चा करेंगे। तो आयरलैंड और बांग्लादेश के बीच में सेकंड ओडीआई मैच 12 मई को खेला जाएगा काउंटी ग्राउंड हेल्सफोर्ड में दोपहर 3:15 पर। यहां की रिपोर्ट पर अगर नजर डालें तो टोटल मैचेस खेले गए हैं 4, जिसमें से फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 2 मुकाबले जीते हैं, सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 1 मुकाबला जीता है और एक मैच का कोई भी रिजल्ट नहीं निकला था। एवरेज स्कोर यहां फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम का रहा है 199 का, हाईएस्ट स्कोर बनाया है टीम इंडिया ने 247 का, तो वहीं लोएस्ट स्कोर रहा है बांग्लादेश की टीम के नाम 116 का। बात करें स्कोरिंग पैटर्न की तो स्कोर बिलो 200 बना है 1 टाइम, स्कोर बिटवीन 200 and 249 बना है 3 टाइम्स। अब आ जाते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन पर। तो आयरलैंड और बांग्लादेश के बीच में टोटल मैचेस 14 खेले गए हैं, यानी कि 14 बार ये दोनों टीमें आमने सामने आई हैं, जिसमें से आयरलैंड की टीम ने 2 मुकाबले जीते हैं और बांग्लादेश का पलड़ा भारी रहा है 9 बार, यानी कि 9 मैचेस में जीत दर्ज कर बांग्लादेश की टीम ने अपना परचम लहराया है। तो वही 3 मुकाबले ऐसे रहे हैं जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है। वेल फर्स्ट ओडीआई के बारे में आपको बता दें कि बारिश की वजह से ये मैच पूरा नहीं हो पाया था और बांग्लादेश की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 246 रन बनाए थे 9 विकेट खोकर, जिसके बाद आयरलैंड की टीम ने 3 विकेट पर 65 रन बनाए थे 16.3 ओवर्स में। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर बात करें आयरलैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की कि आखिर कौन से 11 खिलाड़ी होंगे जो कि सेकंड ओडीआई में हमें नजर आएंगे बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए, तो यहां पर दोस्तों कौन से खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं, किन खिलाड़ियों को देंगे मौका, उनके नाम आपको बताते हैं। तो यहां पर शामिल रहेंगे पॉल स्टर्लिंग, स्टीफन डोनी, एंड्रयू बलबर्नी, हैरी टेक्टर, लॉर्कन टकर, कर्टिस कैम्फर, जॉर्ज डॉकरेल, एंडी मैकब्राइन, मार्क अडायर, ग्राहम ह्यूम और जोशुआ लिटिल। तो ये 11 खिलाड़ी दोस्तों हमें सेकंड ओडीआई मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। अब बात करें की प्लेयर्स की दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं गेंदबाजों से। तो यहाँ पर दोस्तों ग्राहम ह्यूम, जिन्होंने फर्स्ट ओडीआई मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 2 विकेट चटकाए थे। मार्क अडायर की बात करें तो उन्होंने भी बांग्लादेश के खिलाफ 2 विकेट अपने नाम किए थे। इनके अलावा दोस्तों जोशुआ लिटिल ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी और यहाँ पर उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 3 विकेट चटकाए थे। तो ये गेंदबाज दोस्तों अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए हमें दिखाई देते, अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिखाई देते। लेकिन बात करें यहाँ पर बल्लेबाजी की, क्योंकि बल्लेबाज उतना प्रदर्शन करने में कामयाब नहीं हुए थे क्योंकि ड्यू टू रेन ये मैच जो है रद्द हो गया था। तो यहाँ पर कौन से बल्लेबाज जो है अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे सकते हैं सेकंड ओडीआई मैच में दोस्तों, तो यहाँ पर हैरी टेक्टर का नाम हमने शामिल किया है, जिन्होंने 30 मैचेस खेलते हुए 1095 रन अभी तक स्कोर किए हैं। एंड्रयू बलबर्नी की बात करें तो 92 मैचेस में उन्होंने 2681 रन बनाए हैं। आखिरी नाम है पॉल स्टर्लिंग का, जिन्होंने 145 मैचेस खेलते हुए 5274 रन बनाए हैं दोस्तों। तो साथ ही उन्होंने गेंदबाजी में भी कमाल करते हुए 43 विकेट अपने नाम किए हैं, यानी कि पॉल स्टर्लिंग एक बेहतरीन ऑलराउंडर साबित हो सकते हैं बांग्लादेश के खिलाफ। तो ये तो बात हो गई आयरलैंड की, अब बात करते हैं बांग्लादेश की प्रोबेबल प्लेइंग 11 की कि कौन से 11 खिलाड़ियों को शामिल करेंगे तमीम इकबाल। तो यहां पर शामिल रहेंगे, पहले नंबर पर है टीम के कप्तान तमीम इकबाल, अगला नाम है लिटन दास, नजमुल हुसैन शांटो, मुशफिकुर रहीम, शाकिब अल हसन, तोहड़ी हिरदोए, मेहंदी हसन मिर्जा, हसन महमूद, शौरफुल इस्लाम, ताइजुल इस्लाम और इबादत हुसैन। तो ये 11 खिलाड़ी दोस्तों हमें नजर आएंगे आयरलैंड के खिलाफ सेकंड ओडीआई में खेलते हुए। अब बात करें यहां पर की प्लेयर्स की दोस्तों, तो यहां पर बांग्लादेश की टीम के कौन से गेंदबाज होंगे जो कि अच्छा प्रदर्शन करते हुए हमें दिखाई देंगे और आयरलैंड के विकेट चटकाने में कामयाब होंगे। तो यहां पर इबादत हुसैन का नाम हमने शामिल किया है, जिन्होंने 8 मैचेस अभी तक खेलते हुए ओडीआई में 19 विकेट अपने नाम किए हैं। मुस्तफिजुर रहमान की बात करें तो 86 मैचेस में उन्होंने 142 विकेट अभी तक लिए हैं। इनके अलावा दोस्तों ताइजुल इस्लाम का नाम भी हमने यहां पर रखा है, जिन्होंने फर्स्ट ओडीआई मैच में 1 विकेट अपने नाम किया था आयरलैंड के खिलाफ। इनके अलावा अगर बल्लेबाजों की बात की जाए तो नजमुल हुसैन शांटो जो है वो आयरलैंड के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए थे और 44 रन उन्होंने बनाए थे फर्स्ट ओडीआई मैच में। इनके अलावा मुस्तफिकुर रहीम जो कि टीम के विकेट कीपर है, उन्होंने भी आयरलैंड के खिलाफ दोस्तों हाफ सेंचुरी कंप्लीट करते हुए 61 रन स्कोर किए थे। तो दोस्तों ये जो दो बल्लेबाज हैं, इन्होंने फर्स्ट ओडीआई मैच में तो काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। इनके अलावा अगर किसी बल्लेबाज को हम की प्लेयर्स की लिस्ट में रखेंगे तो वो है शाकिब अल हसन, जिन्होंने 230 मैचेस खेलते हुए 7086 रन स्कोर किए हैं। साथ ही दोस्तों उन्होंने 301 विकेट भी अपने नाम किए हैं, यानी कि शाकिब अल हसन बेहतरीन ऑलराउंडर हो सकते हैं बांग्लादेश की तरफ से खेलते हुए और वो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों से कमाल करने में सक्षम है। अब बात आ जाती है दोस्तों सेकंड ओडीआई मैच आखिर कौन सी टीम जीतेगी, यानी कि कंक्लूजन की कि आयरलैंड और बांग्लादेश के बीच में होने वाले ये मैच
वह कौन सी टीम होगी जो कि अपनी जीत का परचम लहराएगी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं पिच रिपोर्ट पर फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम के लिए ये पिच फायदेमंद साबित हो सकती है, यानी कि जो टीम टॉस जीतेगी वो यहाँ पर मैच जीती हुई नजर आएगी। लेकिन दोस्तों बात करें यहाँ पर हेड टू हेड कंपैरिजन की, तो आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश की टीम का पलड़ा भारी रहा है आयरलैंड के खिलाफ। तो यहाँ पर अगर टीम की बात करें तो बांग्लादेश की टीम सेकेंड ओडीआई मैच में जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकती है, यानी कि बांग्लादेश का परचम यहाँ पर लहराता हुआ दिखाई दे सकता है। वेल, आपके हिसाब से इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत दर्ज करेगी, क्या वो आयरलैंड की टीम होगी या फिर बांग्लादेश की टीम होगी, आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट बॉक्स खुला है तो अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में लगाते हैं विराम, अगली वीडियो में आपसे होगी फिर मुलाकात क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए क्रिकेट लाइन गुरु, सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। अगर आपको है क्रिकेट की भरपूर नॉलेज, हर एक मैच में अपनी टीम बनाने की ललक, तो हम दे रहे हैं आपको रियल कैश प्राइज जीतने का मौका माई 11 ग्रुप ऐप के जरिए, जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं अपना फेवरेट मैच, अपने क्रिकेट की नॉलेज से बना सकते हैं खुद की एक टीम और अपनी सहूलियत के हिसाब से ज्वाइन कर सकते हैं ये कॉन्टेस्ट, और आसपास के लोगों और दोस्तों को रेफर करने पर भी आप जीत सकते हैं ढेर सारा कैश बोनस प्राइज। तो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए माई 11 ग्रुप ऐप और जीतिए ढेर सारा कैश प्राइज।